ओके, वेलकम यू अगेन स्टूडेंट। डिमोनेटाइजेशन, देखिए डिमोनेटाइजेशन पिछले कुछ सालों में ही लागू हुआ था। डिमोनेटाइजेशन होता क्या, एक्चुअली उसमें जो ओल्ड करेंसी उसको बंद करके उसकी जगह न्यू करेंसी इंप्लीमेंट करना, ये डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। तो देखिए, नवंबर 8, 2016 वाज डे व्हेन 500,000, ठीक है, 8 नवंबर कौन सा दिन था, 8 नवंबर 2016, ठीक है, 8 नवंबर 2016 वाज डे व्हेन 500,000 डिमोनेटेड, ठीक है, डिमोनाइजेशन, ठीक है, डिनोमिनेशन, सॉरी, ओके, डिनोमिनेशन नोट्स वर विड्रॉ, ठीक है, डिमोनेशन नोट्स वर विड्रॉ फ्रॉम द सर्कुलेशन। देखिए, उस दिन से ये चलन में नहीं रहे, नोट है लेकिन इसको चलन में नहीं, इनको इनवैलिड, ठीक है, इसको चलन में नहीं किया, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया चलन में से, फ्रॉम द सर्कुलेशन, एंड इट रिजल्ट विड्रॉ ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, और लगभग 86% करेंसी सर्कुलेशन से बाहर कर ली गई। पीपल वर एडवाइज टू गो टू द बैंक टू रिप्लेस ओल्ड नोट विद अ न्यू अप टू लिमिट, और पीपल को एडवाइज किया गया कि आप जो ओल्ड करेंसी जो आपके पास है वो उसको बैंक में जाके आप उसको चेंज कर लें एज ए लिमिट के तौर पे, जो भी उनके पास लिमिट थी कि एक व्यक्ति इतना पैसा चेंज करा सकता है। देयर वाज रेस्ट्रिक्शन ऑन अ कैश विड्रॉल, देखिए यहाँ पे कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई थी। देखिए, द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब द करप्शन, मेन क्या एम था, उद्देश्य क्या था इसका, फर्स्ट कर्ब द करप्शन, करप्शन को रोकना, कम करना, चेक ऑन द यूज ऑफ नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज, और जो इलीगल एक्टिविटीज उसमें चेक करना उस नोट्स का कम यूज़ हो, एंड इस एक्टिविटीज एंड स्पेशल द एक्यूमुलेशन ऑफ अ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय द नोट डिक्लाइन इन द इनकम ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, और जो ब्लैक मनी है उसको भी रोकना, उसको कम करना है, ये सारे मेन उद्देश्य थे इसके, मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, प्रमुख उद्देश्य यही थे इसके कि जो फेक करेंसी उसको बंद करना, जाली नोट आ रहे थे उनको, ठीक है, बंद करवाना था, ठीक, और जो ज़्यादा इलीगल भी है, ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मनी है, उसको बाहर निकालना था। तो इस तरह से ही मेन पर्पस ये था इस डिमोनेटाइजेशन के पीछे। अब देखिए फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, फीचर्स, फर्स्ट फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, देखिए सबसे पहले इसके फीचर्स क्या है, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग, ठीक है, इसके डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों ने पीपल हैड टू डिक्लेयर, उनको डिक्लेयर करना पड़ा देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक, उनके पास जितना भी कैश था वो सारा बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया था, इससे डिक्लेयर हो गया उनके पास कैश कितना है। सो द Those having black money had to declare their unaccounted wealth and pay tax at penalty. जिनके पास ब्लैक मनी था उनको, या जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया था उनको सारे अनअकाउंटेड वेल्थ ही पे टैक्स एट अ पेनल्टी के तौर पर उनको टैक्स पे करना पड़ा। सेकेंड, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स अवेशन, डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेट दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स अवेशन, देखिए गवर्नमेंट ने यह भी डिक्लेयर किया कि जो लगातार टैक्स चुराते थे तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग सच एस चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, डिमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए डिमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लीड किया, एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एज अ मच ऑफ द कैश डिपॉजिट बाय द पीपल फॉर एक्सचेंजिंग विल बी ऑफर्ड टू पीपल फॉर लोन अंडर न्यू स्कीम, इसके तौर पर जब पैसा जमा हो तो लोगों को लोन भी, ठीक, ऑफर किया गया न्यू स्कीम के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग लैश कैश और डिजिटल कैश डिजिटल इकोनॉमी, देखिए लाइट इकोनॉमी, अब जो नई इकोनॉमी इसमें ज़्यादातर तो लोगों को प्रमोट किया गया कि कैश का यूज़ कम करें, ज़्यादातर ज़्यादा आप डिजिटल कैश का यूज़ करें। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश, कि आप कम से कम कैश यूज़ करें, एंड कैश लाइट इकोनॉमी, चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस, ठीक, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, टैक्स कंप्लीट करें, ठीक है, और फाइनेंशियल सिस्टम बेटर बनाएं, फॉर्म फाइनेंशियल सिस्टम, और ज़्यादा से ज़्यादा कैश के थ्रू ही डिजिटल पेमेंट करें, पेश डिजिटल है वो कैश करें, ताकि आपका इकोनॉमी अच्छा रहेगा, और जो कैश है उसका यूज़ कम करें, डिजिटल पेमेंट ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है।
ऑल्दो देर आर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिजिटल ट्रांजेक्शन. देखिए हालांकि यहाँ बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ आपने डिजिटल जो पेमेंट है डिजिटल के डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के, तो इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, बहुत सारे बहुत से क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं. द रिक्वायर यूज ऑफ सेल फोन ऑफ फॉर द कस्टमर एंड पी ओ सी मशीन फॉर बिजनेस मैन. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि हर कस्टमर के पास सेल फोन नहीं होता है, और होता है तो हो सकता है वो एंड्रॉयड नहीं हो, ठीक है. दूसरा पी ओ सी मशीन्स हर बिजनेसमैन के लिए चाहिए, तो एक प्रॉब्लमेटिक केस बनता है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कनेक्टिविटी, और इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी होना चाहिए तो ही बिजनेस संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट द डिसएडवांटेज आर काउंटर बैलेंस बाय अन अंडरस्टैंडिंग दैट इज हेल्प टू पीपल इन टू द फॉर्मल इकोनॉमी thereby increasing financial saving and reducing tax evasion. अब impact of demonetization. देखिए impact क्या हुआ, असर क्या हुआ. स्वाभाविक सी बात, जब भी कोई नई पॉलिसी लागू होती है, नई स्कीम लागू होती है, तो इसका इम्पैक्ट होता है, कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. देखिए यहाँ पे एरिया मनी इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, कैश जो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हुआ, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, बैंकों में पैसा जाने लगा, इंक्रीजिंग इन फाइनेंशियल सेविंग, अब लोगों के पास जो पैसा था वो बैंकों में आने लगा. नेक्स्ट प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स ऑफ 500,000 वर नॉट रिटर्न एंड रियल इस्टेट प्राइस फाइल, जो रियल इस्टेट है ई स्टेट है प्राइस उनकी गिर गई. पब्लिक सेक्टर वेल्थ नो इफेक्ट, पब्लिक सेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ. डिजिटाइजेशन, देखिए डिजिटल ट्रांजेक्शन अमोंग यूजर रूपैक्स APS increased. अब डिजिटल जो डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है आजकल, और हम भी देखते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम भी डिजिटल कर रहे हैं, तो ये होने बढ़ने लगे. रियल इस्टेट देखिए प्राइस डिक्लाइन हो गए काफ़ी. टैक्स कलेक्शन प्राइस राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज इट इंक्रीज द डिस्क्लोजर, अब राइज जो टैक्स कलेक्शन वो बढ़ गया था. ओके केस स्टडी यहाँ पे दे रखी है हमारी, ठीक है. यू हैव टू रीड योर सेल्फ. ओके क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड इन योर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.